हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही सुंदर साइड पार्टिंग ओपन हेयर स्टाइल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइड पार्टिंग की है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे ज़िगज़ैग पार्टिंग निकालूंगी। लेफ़्ट साइड पर हम ब्रेड बनाने वाले हैं और राइट साइड पे हम बहुत अच्छा वॉल्यूम देंगे। अभी के लिए हम राइट साइड को क्लिप लगा देंगे और लेफ़्ट पे काम करेंगे। तो लेफ़्ट पे मैंने यहाँ पे सेक्शन ले लिया है, इसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमें यहाँ पे बनानी है ब्रेड, तो रिवर्स ब्रेड मैं यहाँ पे बना रही हूँ। उल्टी ब्रेड हमें बनानी है और उसके साथ साथ एक एक सेक्शन लेते चलना है, एक सेक्शन लेफ़्ट से और एक सेक्शन राइट से। इसी तरह पीछे तक पूरी ब्रेड को कंप्लीट करना है। जिस तरह से हम फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से बिल्कुल यही ब्रेड बनेगी, बट रिवर्स यानी के उल्टे तरीके से। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने डमी लिए है उसके बाल बिल्कुल रियल हैं और शॉर्ट हैं और वॉल्यूम भी कम है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग पाएगा कि अगर आप अपने क्लाइंट के या किसी के भी ये हेयर स्टाइल बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा और कैसा लगेगा। इसी तरह हमें ब्रेड को कंप्लीट करना है और अब मैं इन सेक्शंस को पुल करूंगी। तो ये जो हमने ब्रेड बनाई है दोनों साइड से मैं इसको पुल करूंगी। बहुत ही आराम से हमें इसको पुल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, जितना रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतना ही। तो पीछे से हम थोड़ा ज़्यादा पुल करेंगे और आगे से थोड़ा सा कम। बाकी बचे हुए बालों की भी हम ब्रेड बना देंगे और पीछे फिर हम इसको लॉक कर देंगे पॉप पिन से। इस तरह से हमें बाल थोड़े से साइड करके 2 से 3 बॉब पिन्स लगा के इस सेक्शन को लॉक कर देना है। तो हमारी ब्रेड तो बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम साइड पार्टिंग पे वर्क करेंगे। इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्रिम्पिंग ज़रूर करनी है। कोशिश करना कि फुल हेयर में क्रिम्पिंग कर पाओ, अगर नहीं टाइम मिलता तो एटलीस्ट ईयर टू ईयर पार्टिंग में ज़रूर क्रिम्पिंग करेंगे। और अगर बालों में पहले से ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो आप बिना क्रिम्पिंग के भी इस हेयर स्टाइल को बना सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने एक तरीके का बॉक्स सेक्शन लिया हुआ है और अब हम एक एक पतला सेक्शन लेके उसमें बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। और उसको रोकने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टाफ नंबर 5 स्प्रे, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसी तरह 2 से 3 और सेक्शंस लेंगे, उसमें बैक कॉम्बिंग करेंगे, अच्छे से रूट्स तक बैक कॉम्ब करनी है, उसको स्प्रे से लॉक करना है और उसको अपनी तरफ रख देना है। सो इससे हमें बहुत ही अच्छा बाउंस मिलेगा। अगर क्लाइंट को कम बाउंस चाहिए तो हम कम बैक कॉम्बिंग करेंगे 2-3 सेक्शंस में, और अगर ज़्यादा बाउंस चाहिए तो 5 से 6 सेक्शंस निकाल के हम ज़्यादा बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितना अच्छा वॉल्यूम हमें मिल चुका है। इसको अब हम नीट करेंगे, अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे कि जितना भी हमारा टैंगल्स थे वो ना दिखें, और बिल्कुल नीट कर लेंगे। और जो अभी हमने स्टार्टिंग में ज़िगज़ैग पार्टिंग निकाली थी उससे ही हम इस तरह से लेयर्स क्रिएट कर देंगे। आप चाहो तो यू पिंस का भी यूज़ कर सकते हो लेयर्स क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज़ हम इसी तरह से हाथ से लेयर्स निकाल के इसको सेट कर देंगे होल स्प्रे से। तो कोई भी होल स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो। हमारी ब्रेड भी बन चुकी है, बाउंस भी आ चुका है, अब हमें करने हैं कर्ल्स। तो कर्ल्स करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी आइकॉनिक का स्ट्रेटनर। यस, आज हम आयनिंग कर्ल्स करने वाले हैं। तो रैंडम सेक्शंस हम ले रहे हैं यहाँ पे, और ये मैंने अपने आयनिंग मशीन को अभी डमी के लिए 170 डिग्री पे सेट किया है। अगर आप ओरिजिनल हेयर पे काम कर रहे हो तो आप उसको
180 to 220 के बीच में भी सेट कर सकते हो। इस तरह से हमें एक सेक्शन लेना है, आइनिंग करते हुए उसको ट्विस्ट करते हुए नीचे नीचे लेके आना है और हमें एक बहुत ही अच्छा कर्ल मिल जाएगा। तो ये वाले जो कर्ल्स रहते हैं, आइनिंग कर्ल्स जो हम करते हैं, वो बहुत लॉन्ग स्टे करते हैं। जिन लोगों को लगता है उनके हेयर पे कर्ल्स नहीं टिकते, वो आइनिंग कर्ल्स ही प्रेफर करें। और सबसे पहले ड्रायर करो, फिर आइनिंग कर्ल्स करो और उसके बाद अच्छे से होल्ड स्प्रे अप्लाई करो और कर्ल्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग स्टे करेंगे। अब हम फ्रंट पे आ जाते हैं, तो फ्रंट पे भी एक एक सेक्शन करते हुए एक ही डायरेक्शन में, आपको अदला बदली नहीं करनी है। फ्रंट पे जब भी हम कर्ल्स करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे मैं पीछे की तरफ ला रही हूँ, अगर आप आगे की तरफ करोगे तो सारे सेक्शंस को आगे की तरफ ही करना है। उससे एक बहुत सिमेट्री दिखती है हेयर स्टाइल में और बहुत अच्छा लगता है हेयर स्टाइल। सो फ्रंट में हमारे कर्ल्स हो चुके हैं, अब हमें बैक कर्ल्स करने हैं। तो ये बहुत ही क्विक हेयर स्टाइल है, अगर किसी को पार्टी हेयर स्टाइल बनाना है या फिर कोई संगीत या रोका ब्राइड है, आप उस पर भी इजीली कर सकते हो। और कजन्स होते हैं ब्राइड्स के, उन पे आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। ये लहंगा और बाकी वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग हेयर स्टाइल नहीं है, क्योंकि इसमें हम रैंडम सेक्शंस ले रहे हैं, हम कोई भी बीच बीच में से सेक्शंस ले रहे हैं, हमने इसमें पार्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। और साथ के साथ ही आप देख रहे हो मैं सेट करती जा रही हूँ कर्ल्स को स्प्रे से। इसी तरह से आपको भी करना है होल्ड स्प्रे का यूज़। जैसे ही आप दो तीन कर्ल्स कर लोगे उसी टाइम आपको होल्ड स्प्रे यूज़ करना है। शॉर्ट टू मीडियम हेयर पर आप आइनिंग कर्ल्स बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बट अगर किसी की हेयर लेंथ बहुत ही लंबी है देन आपको टोंग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आइकॉनिक का प्रो टाइटेनियम शाइन स्ट्रेटनर यूज़ किया है, आप कोई भी स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो। और हमारे कर्ल्स भी हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी है हमारा हेयर स्टाइल। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक्सेसरीज़। उससे पहले हमें पूरे बालों पे एक बार और अच्छे से हार्ड स्प्रे यूज़ करना है। एक्सेसरीज़ में यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये बीट्स, तो छोटे छोटे पर्ल्स के साथ ये पिन्स हैं, इनविजिबल पिन्स या फाइन पिन्स हम इन्हें बोल सकते हैं। और एक साइड से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ और इसको अप्लाई करना है, तो इससे ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाते हैं और निकलते भी नहीं हैं। तो एक एक करके मैं इसको ब्रेड में लगा रही हूँ। बहुत से लोग हैवी एक्सेसरीज अवॉइड करते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह से छोटे छोटे पर्ल्स वाली पिन्स यूज़ कर सकते हो, बहुत ही डिसेंट और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और इसी के साथ हमारा हेयरडो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।